सदगुरुदेव जी के सानिध्य में, उनकी कृपा मई छाया में, श्री रमण बिहारी जी के जी की परम कृपा को प्राप्त करते हुए मंच में विराजमान श्री संत श्री जागर और अनेक संतों के मध्य हम एक अबोध बालक की तरह है, कुछ कहने का प्रयास हो रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कृपा के कारण ही कुछ कहने और सुनने का यह प्रयास है। ये जब से हम इस रमण रेती धाम से जुड़े, सन 1995 से लगभग परम गुरुदेव जी की कृपा बरस रही है। मन में था कि ये जो आचार्य परंपरा है, ये महनीय जो आचार्य परंपरा है, जिस आचार्य परंपरा में कुल आचार्य जनों के द्वारा श्री रमण बिहारी सरकार को यहाँ ले करके आविर्भूत कर दिया गया, ऐसे उन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि महापुरुष का चिंतन मनन स्मरण किसी भी प्रकार से हो, किसी भी विधा से हो, अपनी वाणी और जीवन पवित्र होता है। उसी क्रम में बहुत दिनों से इच्छा थी, एक दिन रात्रि को ऐसे ही स्वप्न में सद्गुरुदेव जी का दर्शन हुआ और उन्हीं के प्रेरणा से ये मन में था बहुत दिनों से कि एक इस आचार्य परंपरा अपने जो इस वर्तमान पंचाचार्य हैं स्वामी ज्ञानदास जी महाराज जी से लेकर अद्यतन परम सद्गुरुदेव जी तक कुछ लिखने का कुछ प्रयास करें, कोई गुरुदेव जी की कृपा से एक शतक का निर्माण हुआ। समय ज़्यादा नहीं है, हमारे संचालक महोदय जी का निर्देश भी है, इसलिए हम इसमें से जो आचार्य वृंद है उनसे दो दो चार चार छंदों को कहते हुए और अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री काष्ठी गुरु शतकम, यह इस शतक का नाम है। इसमें आचार्यों की जो जीवनी है, जीवन से लेकर के जन्म से लेकर के उनकी जो पूरी कर्मस्थली लीला स्थली जो भी है, उन सभी जो कथानक चरित्र है उसका परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के द्वारा जो काष्ठ गोपाल विलास है उसमें जीवनी में आप देखेंगे उसमें पूर्ण वर्णन किया गया है बृहद रूप से। उसी को कुछ उन्हीं वचनों को सार संक्षेप में करते हुए कुछ हम आपके समस्त कुछ छंदों को रखेंगे। देखिए इसकी व्याख्या करने में तो बहुत समय लगेगा और व्याख्या के लिए तो दो चार पाँच दिन चाहिए कि 10-10 दिन 20 श्लोक करें, लेकिन हम केवल क्योंकि ये केवल आप देव भाषा में ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में और ये देववाणी है, तो देववाणी और गुरुचरित्र इसके श्रवण मात्र से हमारा जो पुण्य है पुण्यवर्धन होगा और आत्म शांति मिलेगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा उसकी व्याख्या न करते हुए हम छंदों को वाचन करेंगे और कुछ भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मंगलाचरण में श्री काष्ठी गुरु शतकम, इसमें 5 छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, श्रगणी छंद, शिखरणी छंद और शार्दूल विकीर्णी छंद, 5 आचार्यों की परंपरा है, 5 छंदों का प्रयोग है इसमें। तो हम क्रम से कुछ छंदों को आपके सामने गुरुदेव जी, क्योंकि इसको इसलिए हम कह रहे हैं इसलिए बहुत पांडित ना आप समझें, केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, क्योंकि जीवन का सफल है सबसे बड़ा है कि संतों की कृपा
और गुरु कृपा प्राप्त होना यही जीवन का लाभ है। इसी उद्देश्य से केवल कहा जा रहा है, लेकिन हमारा साहस नहीं हो रहा था कि हम ऐसे संतों के बीच में, महापुरुषों के बीच में, क्योंकि कहने का तात्पर्य तभी है जब जीवन में इन महापुरुषों के समान हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जब हो, तब हम इस मंच में बैठ करके कुछ कहने का साहस करें। ये एक तरह से मतलब एक साहस मान के चलिए कि हम कर रहे हैं, तो उसी को कुछ छंदों में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राधया सहितं कृष्णं विश्वनाथं तथा प्रभुं श्री ज्ञानदासो महाज्ञानी ब्रह्मविद्शास्त्र पारगः श्रीकृष्णे महोदिष्ठा दृष्टा श्रीहरिपादयोः स्वामी गोपालदासो यहां कृपालो सगतस्त्रिः श्रीहरिनामदासो यहां शिरोमणि स्वामी काश्मी ब्रजानंद त्यागी भक्त सत्प्रिय तत्व्योस्ति मदाचार्य सैषाचार्य परम परा भक्तिदं पुण्यतम दिव्यम। इसका फलादेश है इसके सुनने से क्या होगा, तो भक्तिदं पुण्यदं दिव्यं गुरु संतोषकारकं एतदाचार्य पादानां वक्षेहं शतकं शुभम्। नाहमस्मि कविर्भीमान् न भक्तो न च साधकः गुरोः कृपा प्रसादेन प्रयासः क्रियते मया। लघ्वी मतिर्मदीयास्ति ह्यभिवच्चरितं महतं गुरुकृपा तरिण्याहं दिदीसुरश्मिमूढधीं सतीदेव्याः कृपां लब्ध्वा स्नेहं मातामहस्य च श्रीपितोः वन्दनं कृत्वा कीर्तयाम्यमलं यशः। ये मंगलाचरण है, इसी में अब पांच आचार्यों को दोनों चार चार छंद को कह करके फिर अपनी बाई को ध्यान देंगे। पहले हमारे पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी के जो जन्म कर्म, दिव्य जो जन्म कर्म है उसके विषय में वर्णन करेंगे। सप्तमोक्षपुरी मध्ये मथुरास्ति पुरी सुभा यत्र वासेन कृष्णस्य प्राप्ते महती कृपा तत्रास्ति गोचरस्थानं मंगलं श्रीमहाबलं स्वपदभ्यां पावितं यत्र श्रीरमण विहारिणां भूतं रमण रेतीति मोददं रमणस्थलं स्वर्गलोकात् पतितं खण्डं मनोहारि तपोवनम्। तत्रानेकैः महाभक्तैः विरक्तैश्च तपस्विभिः निर्मलैः साधुभिः शान्तैः साधुसेवापरायणैः पूज्यैः श्री गुरुभिः सिद्धैः सोपस्थित्या च पावितं तेषां तु चरितं दिव्यं लोककल्याणकारकम्। ये सद्गुरुकृपाभाजः काश्रयः पुण्यशालिनः तेषां प्राप्य तु सान्निध्यं स्वजन्म सफलीकृतम्। श्रीकाश्मी गुरुपूज्येषु वृद्धो गुरुर्महातपाः वृद्धगुरु स्वामी ज्ञानदास जी महाराज पूज्य श्री ज्ञानदासो वै साक्षात्कर्ता परात्मनः श्री रमण बिहारी जी का जिन्होंने साक्षात्कार किया है ब्रह्म रूपात्मकं
ज्ञानं सत्पात्राय ददाति यः लोकानां पावनं कर्ता तापत्रय विनाशकः तस्य जन्म च सत्कर्म वक्षेहं यथामति सद्भक्तान् यः समुद्धर्तुं पृथिव्याम् आजगाम वै ते तु धन्यतमा जाताः ये गुरुं शरणं गताः पंच नर प्रदेशस्थम श्रीराम नगरम महत्व स्वामी ज्ञानदास जी महाराज जी का जो पूर्व जन्म का जो स्थान है वो पंजाब में श्री राम नगर नाम का ग्राम है। तत्र विप्रकुले पूते जनुर्लब्धम महात्मनाम क्रीटादिकं परित्यज्य श्री कृष्ण ध्यान परायणः चित्ते कृष्णं विनिवेश्य जपकाले स्थूलितः सांसारिक विकारेभ्यः कामादिभ्यो विवर्जितः गार्हस्थ जीवनं त्यक्त्वा सन्यासी सो भवत् तदा सविद्यावासना युक्तः श्रीगुरुं शरणं गतः विद्यागुरुं प्रसादेन जातो विद्याविशारदः। कहते हैं गुरु की कृपा से और केवल गुरु के आशीर्वाद से पूज्य स्वामी जी को सभी शास्त्रों का और सभी ग्रंथों का बोध हो जाता है। यम यम ग्रंथम स्पृशति सह स ग्रंथो हृदयं गतः वेद शास्त्र पुराणेषु सर्वत्रासीत् समागतिः भगवत धाम संप्राप्ते कारुणिकस्य सद्गुरोः गुरोराश्रमदायित्वं सोदात् योग्य महात्मने श्री कृष्णस्य निरीक्षुषा तपस्ते तुम तप्तुम मनोदधे व्रतम द्वादश वर्षीयम नीत्वा ते वीरहस्तवः तपः काले प्रतिदिनं निरीक्षा भक्तो यदा जनः गदेषु त्रिदिवसेषु स्वप्ने प्रहृदिषेधयत दीक्षा मारयति भक्तः यस्तदन्नं प्रदोषितम्। कहते हैं स्वामी ज्ञानदास जी महाराज जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो एक कोई भक्त आकर के रोज उनको कुछ अन्न प्रसाद दे जाता था। तीसरे दिन ठाकुर जी का उनको स्वप्न हुआ, उन्होंने कहा कि आप जिस अन्न का भक्षण कर रहे हैं वो अन्न दूषित है, कृपा कर उस अन्न को डालिए। ये देखिए तो उसी दिन स्वामी जी को ये आभास हो गया कि जब इस तरह का स्वप्न हो रहा है तो वास्तव में मुझे गुरु की या गुरु भगवत कृपा जरूर प्राप्त होगी। फिर प्रभु का आशीष होता है कि राया स्तंभम स्वप्ने प्रभु एकम समाधि सत तपस्तपति मत भक्ता तुम सेवाम प्रेत प्रक्षचा। राया के एक वैश्य को उन्होंने स्वप्न दिया और वो आकर के उनके अन्न आदि की व्यवस्था करते थे। तपोधूमि गतो वैश्य प्रभु आदेश मुक्तवान मोदमानस सदा जाता सुत्वादेशं गुरु प्रभो सप्तमे दिवसे त्वं तु भाण्डाम् अस्यां समर्पय चणकान् सप्तमुष्कीन् वै वृद्धो गुरु समाधिसत। कहते स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की वो उस गुरुदेव प्रभु के आदेश से वो आता था और सात दिन में सात मुट्ठी चणक जो है घाटी में रख जाता था और एक मुट्ठी चणक चना जो है दिन में 3 बजे उसका भक्षण करते थे और 12 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे। इसी तरह से आगता समहांकारा योगी वीर्यः प्रतीक्षते एकस्मिन् दिवसे वाणी प्रेमपूर्णा मनोहरा आचार्य सुता दिव्या विश्वस्तो नैव सोऽभवत् कोऽपि कोऽपीति मत्वा कोऽत्र भोरिति पृष्टवान्। जब कुटिया के अंदर तपस्या कर रहे थे उसी समय बाहर से एक आवाज आती है कि खोलो दरवाजा खोलो, तो उसी समय उन्होंने सोचा कि कोई गोप ग्वाल बाल आकर के जो यहाँ गोचारण करते हैं हो सकता है वो कोई हो, तो उन्होंने पूछा यहाँ कौन है। तो इसके बाद अंतरे दिगर ध्याय सततम तम यम सोह मंत्र समागतः कहा जिसका करण सतत आप ध्यान करते हो वही मैं उपस्थित हूँ। तो कहा यदि आप हैं तो आपके लिए ये कपाट बंद खुला गया। तो ये कहते हुए उसी समय विघटय कपाटम तुम बहिरा उपस्थित अंतरयामी समो दृष्टा सर्वत्र भवता स्थिति कपाटो नागतो जाता संश्रुत्याद वचो गुरो राधया सह कृष्ण से छविन दृष्टवा दिवि बोला। आज जो रमण बिहारी सरकार जी के आप दर्शन कर रहे हैं राधा जी से यही छवि का उन्होंने दर्शन किया, तब से ये मंदिर की हमारे रमण बिहारी जी की परंपरा है। ये तो ये
कुछ छंदों को हमने कहा और इसी तरह से ये शतक है, चूँकि हमको आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों को सुनना है, इसी में से दो दो छंद हर आचार्यों का कह करके फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये हमारे जो आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, और इसके बाद स्वामी गोपालदास जी महाराज जिनकी ये जयंती उत्सव मनाई जाती है, उन्हीं के संबंध में गुरु काष्ट कलापाचार्यो यो भक्तो महान कवि पूज्यो गोपालदासो यम सिद्धा साधु शिरोमणि पुण्य प्रदानि सेव्यानि मंगलानि महंति च श्री गुरोर्जन्म कर्माणि सुबुद्ध्या कीर्तयाम्यहम् पवित्र भूः पञ्चददेति नाम्नि पवित्र भूः ये पवित्र भूः पञ्चददेति नाम्नि तत्र प्रसिद्धं नगरं हजारां सनातने धर्मपथे दुजाये ग्रामे वसन्ते बगडेति नाम्नि स्वधर्म कार्येषु सदा सुलग्नाः वर्णाश्रमे ब्रह्मकुलादि शुद्धाः न तत्र वैरं कुलः विभो वा सर्वे सतां सेवन तत्परास्ते। आचार्य जी की परंपरा है, आचार्य जी यहाँ आए और किस तरह से उनका प्रभु का साक्षात्कार होता है और किस तरह से वो फिर दशम स्कंध जो ठाकुर जी की जो लीला है उसका श्री काष्ट गोपालदास जी के नाम से उसका वर्णन करते हैं, इन सब बातों का इसमें चर्चा किया गया है। और उनका जो है 1919 संवत्सर में उनका जन्म होता है, सुवर्षे पालुने मासे जो जयंती उत्सव मनाया जाता है, तो सुवर्षे फाल्गुने मासे तृतीयायां तिथौ सिते प्रभाते जननी पूजा पुत्र मजी जनत, उनका ये जयंती उत्सव इसी क्रम में मनाया जाता है। और इसी में परम पूज्य हमारे श्री गोपालदास जी महाराज और उन्हीं की सेवा करके हमारे पूज्य दादा गुरु काष्ठी स्वामी श्री हरनामदास जी महाराज जी की भी लीला अनूठी है, जिनको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन होता था। चित्त्यां धर्म तरु सनातन सियो नानो यदा जायते श्री कृष्णो भगवांस्तदा विविध रूपैः स्वयं सज्जते साक्षात् प्रदभव सागरस्तत्र प्रातं नौ दिव श्री गुरुः श्री नारायण दुष्टतां सतिगते स्वाचारे आश्रया। वो कहा करते थे यदि नारायण दुष्ट भी हो जाए और आचार्य प्रसन्न है तो आचार्य की शरण में जाएंगे तो ठाकुर जी का अवश्य दर्शन होगा, ये हमारे गुरुदेव जी की कृपा थी। और साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से ठाकुर हमारे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ये आपका संकीर्तन है। साधु नाम च गवाम प्रकरवंश सुमना सेवाम सश्रद्धया भक्ता नाम उपकार को मधुरया बाण्या मनोभाव का। और इसके बाद पूज्य सद्गुरुदेव जी का इसमें पूर्ण वर्णन किया गया है और स्वामी हमारे महातपस्वी महाज्ञानी श्री ब्रजानंदी महाराज जी थे। विज्ञानी गतवासन प्रभु गुरु आस्था महाविश्चला दानी कारुण को यदि बना स्वामी ब्रजानंद भाग लेभे जन्म विहार देश विमले तत्व नियुक्तो गुरु बाल श्री हरि सेवको जगति नासी तस्मृहालोकिनी। तो ऐसे महापुरुष स्वामी ब्रजानंद जी महाराज जी थे और हमारे सद्गुरुदेव जी पूज्य सद्गुरुदेव जी के लिए कहा करते थे स्वामी प्रधानमंत्री जी, उसको लिखा गया है मद रूपस्य समादर्शो मदनुपस्थ्या मदीयानुज आपको अनुज अपना मानते थे गत्वा स्वामी बरो नहीं तथा संप्राणे तो यथा संस्कारश्चेतो रमण रेत्याम कृष्णयः कृष्णतः आदेशं शिरसा विग्रह्य समुदो निच्छन्नपि त्यागिराट सेवा कार्यम प्रवत्य विमला संवर्धयन अस्ति अहम कन्नौजे नगरे स्वतनं मिश्रे कुले यो विराट धन्यौ तौ पितरौ गतौ च मुदितौ संप्राप्य बालं शुभम रागो जागति के सुनोस्ति विषयो स्यावाल्यतः स्वामिनः कञ्चित् कालमतो निवसति संगासे त्यजत भीष्मसः सत्तीर्थेषु चरन् गुरुं गुरुवरौ संप्राप्तवान् ईश्वरं शीघ्रं तत्करुणामयीं गुरुकृपां प्राप्तो मद्गुरुः।
साकं तेन महाकृपा गुरु समस्यासीत् ध्वजानन्दतः श्रीकृष्ण काष्ठ्याश्रम वर्धनं सकृतवान् संकारते तेन च गोसेवा बुधसेवनं च भवनं विद्यापकं वेददं विस्तारश्च सदा समस्त सततं सदरक्षणं धर्मतः तत्कल्पाच समे गुरो सुतपया तेन क्रियन्ते सदा सुन्दर्यां गुरु सदा सम्मति हासेन मोदप्रभा श्री विद्या समुपासको यदुपतेर् भक्तो महासाधकः गेहोद्धार करश्च विष्णुशिविरो हेमलोकतस्थापकः लोके तेस्ति समो गुरो न समदक् स्यात्पादयोः मे मतिः तत्रप्तो किञ्चन सेवकः कृतिमिमां कृत्वा दिनेशो स्थिते मातामहस्त श्री हरप्रसाद पांडे कृतज्ञेन आचार्य दिनेश कुमार कर गए श्री गुरो रसीम कृपया रचित विदम श्री गुरु काष्ठ सत्कम संतो श्री हरि हरि।